नमस्ते, इस बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ में हूं जयप्रकाश शर्मा। इस बुलेटिन की शुरुआत हम बड़ी खबर से करने जा रहे हैं। हलाल प्रोडक्ट से जुड़ी बहुत बड़ी खबर है। लखनऊ में पुलिस ने दर्ज की है FIR। तो प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनियों पर FIR हुई है, हलाल सर्टिफिकेट देने वाले पर भी FIR। जमियत उलेमा हिंद हलाल ट्रस्ट पर FIR, जमियत उलेमा महाराष्ट्र पर भी FIR दर्ज हुई है। हलाल काउंसिल ऑफ इंडिया का भी नाम बताया जा रहा है। आतंकी संगठनों को फंडिंग का भी आरोप है। लोगों की आस्था से खिलवाड़ का आरोप है। 85% लोगों की आस्था से खिलवाड़, 85% लोगों की आस्था से खिलवाड़ देश विरोधी कंपनियों को फंडिंग करने का भी आरोप लगा है। तो हलाल सर्टिफिकेशन देकर उत्पाद बेचने वाली कंपनियों पर हजरतगंज कोतवाली में FIR दर्ज हुई है, बड़ी खबर आपको बता रहे। शैलेंद्र शर्मा की शिकायत पर हलाल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड चेन्नई, जमियत उलामा हिंद हलाल ट्रस्ट दिल्ली, हलाला काउंसिल ऑफ इंडिया मुंबई और जमियत उलेमा महाराष्ट्र मुंबई हलाल सर्टिफिकेशन देकर सामान बेचने वाली अज्ञात कंपनियों के खिलाफ IPC की धाराओं में ये केस दर्ज हुआ है। भारत में कोई सरकारी संस्था ऐसा किसी तरह का सर्टिफिकेशन जारी नहीं करती है। तो बड़ी खबर, सीएम योगी के सख्ती का असर दिख रहा है। देश विरोधी कंपनियों को फंडिंग का भी आरोप है। हलाल काउंसिल ऑफ इंडिया का भी नाम बताया जा रहा है जिन पर FIR हुई है। आतंकी संगठनों को इन पर फंडिंग का भी आरोप लग रहा है। हलाल के नाम पर फर्जीवाड़ा, तीन तस्वीरों के जरिए खबर को समझे। योगी सरकार एक्शन में, लखनऊ में FIR की गई है। कई कंपनियों के खिलाफ ये FIR हुई है। जो हलाल जो प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनियां उन पर बैन जल्द हो सकता है। UP में लगेगी बिक्री पर रोक, अब ये एक सवाल है क्योंकि FIR दर्ज हुई है। UP में हलाल का फर्जी खेल अब नहीं चलेगा। सरकार सख्त हो गई है, योगी सरकार एक्शन में है क्योंकि ये लोगों की आस्था से भी जुड़ा मामला है। और सबसे बड़ी बात है कि फर्जी तरीके से काम चल रहा है सारा। विवेक त्रिपाठी हमारे साथ, हमारे सहयोगी और ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए। विवेक, ये पूरा मामला क्या है? दरअसल बहुत सारी जो हलाल कंपनियां हैं उन पर रोक लगाई गई है क्योंकि ये हलाल प्रोडक्ट बनाती है। थोड़ा मामला दर्शकों को समझाइए और FIR दर्ज हो गई, अब क्या होगा इसके बाद? देखिए, सबसे पहले तो जीपी जो FIR दर्ज हुई है शैलेंद्र शर्मा की तरफ से हजरतगंज कोतवाली में एक FIR की गई है। इसमें हलाल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड चेन्नई की संस्था है ये, और जमीयत उलेमा हिंद हलाल ट्रस्ट दिल्ली का है, हलाला काउंसिल ऑफ इंडिया मुंबई और जमीयत उलेमा महाराष्ट्र मुंबई, ये है चार कंपनियां जिनके खिलाफ जो हलाल का सर्टिफिकेट देती है, यानी हलाल सर्टिफाई करती है। और हलाल का जो मतलब है वो साफ है कि किसी भी प्रोडक्ट को इस्लामी मान्यताओं के अनुरूप तैयार किया जाए। और जाहिर सी बात है 80% लोग, 85% लोग की आस्था से खिलवाड़ है ये। और जिस तरह से हलाल जो खाने वाले ये प्रोडक्ट है उनको कहा जाता है कि शुद्ध है और इस्लामी कानून के अनुरूप तैयार किए गए हैं, उस प्रोडक्ट को मतलब आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये एक फर्जीवाड़ा था, कोई भी संस्था किसी भी तरह से इस तरह से सर्टिफाइड नहीं कर सकती है, किसी भी तरह से ये मान्य नहीं है, इलीगल है। और जब शैलेंद्र की तरफ से एप्लीकेशन दी गई तब ये मुद्दा उठा कि ये तो बहुत सारे लोगों की, देश के जितनी भी संस्थाएं हैं, जितनी भी पांच संस्थाएं हैं, वो अगर सर्टिफिकेशन दे रही है तो ये लोगों की जो मान्यता है, आस्था है, उससे खिलवाड़ है। और सबसे खास बात यह है कि इससे जो पैसा आ रहा है, जो सर्टिफिकेशन का पैसा लेते हैं, वो पैसा आखिर आ रहा कहाँ से रहा है और कहाँ जा रहा है? कहा जा रहा है, जो सोर्सेज हैं इंटेलिजेंस के, वो कह रहे हैं कि उनका मानना है ये कि ये सारा पैसा आतंकी फंडिंग में जा रहा है। यानी इस पूरे खेल के पीछे आतंकवादी गतिविधियां भी शामिल हो सकती हैं, जिस तरह से टेरर फंडिंग के बहुत सारे मामले सामने आए हैं। तो हलाल सर्टिफिकेट, जो हलाल सर्टिफिकेट है वो भी, हलाल सर्टिफिकेट का पूरा खेल टेरर फंडिंग का भी हो सकता है। इसको लेकर जो हजरतगंज में FIR है उसमें भी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, खुफिया एजेंसियां हैं, वो अब उस मामले में जानकारी लेने के लिए हजरतगंज पुलिस से संपर्क कर रही है कि आखिर जो FIR हुई है उसके क्या साक्ष्य हैं, उसमें क्या क्या चीजें लगाई गई। लेकिन विवेक, अब हलाल प्रोडक्ट का कोई सर्टिफिकेट कोई देता ही नहीं है देश में, फिर भी दिया जा रहा है इनकी तरफ से, फिर ऐसा हो रहा है, तो अब क्या इन पर कंपनियों पर शिकंजा कसेगा? बिल्कुल, भारत में कोई भी सरकारी संस्था जितनी ऐसी नहीं है जो कोई ऐसा इस तरह का हलाल सर्टिफिकेट जारी करती हो। ये सब निजी प्राइवेट संस्थाएं हैं और उसमें से ज्यादातर मुस्लिम संस्थाएं हैं जो पैसा लेके इस तरह की सर्टिफिकेशन दे रही हैं कि इसमें जो प्रोडक्ट है जिसको भी सर्टिफाई करते हैं उसमें कोई उस तरह की, जो जिसे हराम कहा जाता है मुस्लिम में, उस तरह की सामग्री शामिल नहीं है और प्रोडक्ट में कोई मरे हुए जानवर या
पशु का कोई हिस्सा नहीं है, ये सर्टिफिकेशन देना ये पूरी तरह से फर्जी है। और यूपी में कोई ऐसी संस्था नहीं है, तो ये जो जहां चाहे वो महाराष्ट्र की हो या अलग अलग मुंबई की एक संस्था है, दिल्ली की संस्था है, चेन्नई की है, इनके खिलाफ अब जो पुलिस है पुलिस वो कार्रवाई शुरू करेगी और इन संस्थाओं पर बैन भी लगाया जा सकता है, इनको प्रतिबंधित किया जा सकता है, या इनकी अगर मान्यता कहीं से हुई होगी तो मान्यता वो रद्द की जा सकती है। बहुत सारे चूंकि ज्यादातर एक एक चीज समझना चाहेंगे, जिस तरह अभी हम दिखा रहे दर्शकों को डेयरी, चीनी, कपड़े, मसाले सबको हलाल सर्टिफाइड किया जाता है, तो क्या जो आम कस्टमर है, खासकर मुस्लिम कस्टमर है, वो क्या इस हलाल सर्टिफाइड देख के ही सामान खरीदता है क्या? चाहे मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो, वो जरूर ये देखते हैं कि हलाल सर्टिफाइड है या नहीं है। और ये चूंकि इस तरह का प्रोडक्ट ज्यादातर हम अपने घरों में जो इस्तेमाल करते हैं, दूध है, पनीर है, जिसमें ये माना जाता है कि इसमें पशुओं का कोई हिस्सा होगा, यानी जो पशु हैं उनका कुछ ना कुछ हिस्सा होगा। तमाम तरह के नमकीन आते हैं जिसमें कहा जाता है कि पशु और जो इनको ये कोई जरूरी नहीं कि मांसाहार हो, ये वेज भी हो सकते हैं, वेज भी तमाम ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिनको हलाल सर्टिफाइड किया जाता है। लेकिन अब जिस तरह की जो चीजें हैं अब मार्केट में चूंकि FIR हो गई है और ये मुद्दा गर्मा गया है, तो मार्केट में अब जो आम जनता है वो जागरूक हो गई है और इस तरह के प्रोडक्ट कुछ लोग थे जो जानते थे कि इस तरह की सर्टिफिकेशन जरूरी है। जैसे कभी कभी अक्सर हम देख लेते हैं कि जो ग्रीन एक बिंदु होता है पैकेट में, वो ये माना जाता है कि वो वेज है पूरी तरह से, तो उसी तरह से हलाल सर्टिफाइड का भी एक निशान होता है। अब उस निशान की कोई मान्यता नहीं है, उसको कोई वैल्यू नहीं है। इसका मतलब साफ है कि जो भी कंपनियां इस तरह का सर्टिफिकेशन जारी कर रही थी वो फर्जी था और फर्जी वाड़ा कर रहे थे पूरी तरह से। तो जो संस्थाएं हैं उनके खिलाफ बिल्कुल विवेक आप बने रहिएगा, क्योंकि बने रहिएगा कि मयूर भी हमारे साथ लखनऊ से जुड़ गए और अपडेट के साथ। मयूर आप पर क्या अपडेट है, क्योंकि हलाल जो फर्जी वाड़ा है, जो प्रोडक्ट बनाया जा रहा है हलाल प्रोडक्ट के नाम से, आप वहां पर एक सर्टिफिकेट जारी कर रहे हैं, बहुत सारी कंपनियों के नाम सामने आ रहे हैं, उनके खिलाफ FIR दर्ज हुई है। बिल्कुल, देखिए जैसे कि हमारे सहयोगी विवेक बता रहे हैं कि किस तरीके से लोगों को गुमराह करने का काम इस कंपनी के द्वारा किया जा रहा था कि हलाल सर्टिफिकेशन जिसका कोई वजूद नहीं है, जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, ये ऐसी कंपनी हलाल सर्टिफिकेट दे रही थी और ऐसे प्रोडक्ट्स में जिसको सभी। चलिए बीजेपी प्रवक्ता साक्षी दिवाकर हमारे साथ हैं। एक साक्षी, बड़ा सवाल कि देखिए हलाल के नाम से, एक हलाल के नाम से इस तरह के सर्टिफिकेट जारी किए जा रहे हैं और बताया जा रहा है कि एक फंडिंग, और ये फंडिंग भी आतंकी फंडिंग हो सकती है, सूत्रों के हवाले से खबर है, आप लोग क्या कहेंगे, आपकी प्रतिक्रिया इस पर? देखिए समाज और देश के साथ ही धोखाधड़ी नहीं हो रही, सरकार के साथ भी धोखाधड़ी की जा रही है। इसके बारे में सरकार तक को जानकारी नहीं थी, मुझे लगता है सरकार को बहुत बड़ी कार्रवाई इनके ऊपर करना चाहिए। आज हम देख रहे हैं कि हर चीज पे हलाल का सर्टिफिकेशन मिल रहा है, बल्कि ये तक खबर मिली है कि कोची में तो अपार्टमेंट से हलाल सर्टिफाइड बन रहे हैं। तो इस तरीके की जो चीजें आ रही हैं सामने, इसके बारे में समाज में जागरूकता फैलानी बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये गलत जो धन इकट्ठा किया जा रहा है, गलत चीजों में इस्तेमाल किया जा रहा है जी। लेकिन ये इस तरह की ये एक बड़ी, कहीं ना कहीं ये तो काम लंबे वक्त से चल रहा होगा, आपको नहीं लग रहा कि बड़ी देरी से पकड़ में आया ये मामला? देखिए आप जब समझ में सामने आ गया है तो इससे बड़ी कार्रवाई सरकार करेगी, मुझे पूरी उम्मीद है, और जल्दी जो भी गुनेगार है उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी जी। चलिए, साक्षी दिवाकर बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े, उनका कहना है कि ऐसे लोगों पर शिकंजा कसना चाहिए और ये बड़ा फर्जीवाड़ा है और कहीं ना कहीं सरकार को भी चूना लगाने की कोशिश हो रही है। सीएम योगी के सख्ती का दिखा सर, बाद में आप मयूर भी बने। मयूर आप अपनी जानकारी रखिएगा। हाँ बिल्कुल, देखिए जो जो जानकारी दे रहे थे हमारे सहयोगी, बिल्कुल सही बात है कि गुमराह करने का लोगों को प्रयास किया जा रहा था यहाँ पे, जिसका कोई अस्तित्व वजूद नहीं है, उस तरह की कंपनियां सर्टिफिकेशन दे रही थी और अन्य चीज़ों में भी, जिसमें हलाल से जुड़ी हुई जो चीज़ें वो तो अलग है, जो नॉनवेज की बातें करते हैं, जो उनके जो पैकेट्स होते हैं उसका सर्टिफिकेशन अलग है, लेकिन दाल और डेयरी प्रोडक्ट्स और इन सब चीज़ों में, कपड़ों में भी हलाल का सर्टिफिकेशन देना, तो एक तरीके से ये मार्केट को कैप्चर करने का कहीं ना कहीं प्रयास किया जा रहा था। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि गवर्नमेंट की नज़र अभी तक इस पर नहीं थी, अभी तक ये लोग जो है पकड़े नहीं गए थे, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसको गंभीरता से लिया, सख्त कार्रवाई की गई है। लखनऊ के हजरतगंज थाने में इस तरीके की फर्जी कंपनियों के खिलाफ और संस्थाओं के खिलाफ मुकदमा जो है वो दर्ज कर लिया गया है, जिसमें मुख्य तौर पे हलाल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड चेन्नई की है और जमीयत उलेमा हिंद हलाल ट्रस्ट जो कि दिल्ली का है और हलाला काउंसिल ऑफ इंडिया जो कि मुंबई का है, उसके साथ ही जमीयत उलेमा महाराष्ट्र मुंबई, ये सब ऐसी कंपनियां हैं जो अपना सर्टिफिकेट दे रही थी। ऐसे में इनको अब यहां पर बैन किया जाएगा, इन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया, जो भी लोग हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, गिरफ्तारियां होंगी। लेकिन ये एक बड़ा चौंकाने वाला मामला है मयूर, क्योंकि कोई भी कंपनी
और बिना जिसका कोई वजूद नहीं, वो कंपनी एक सर्टिफाइड कर रही है और वो भी हलाल प्रोडक्ट को। बिल्कुल, काफ़ी सरप्राइजिंग है कि इस तरीके की कंपनियां इतने बड़े स्तर पे काम कर रही हैं और इतने बड़े बड़े इनके नाम हैं, बड़ी बड़े शहरों में हैं, और ऐसा भी नहीं कि ये लोग कोई छुपकर काम कर रहे हों और जो जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें इनका सर्टिफिकेशन रहता है। तो अभी तक नज़र कैसे नहीं पड़ी, किसकी सह में ये लोग काम कर रहे थे, किसके किसका हाथ इनके ऊपर था, ये भी जाँच का विषय है कि फर्जी तरीके से भारत देश में इतने बड़े जो आबादी है उसको इस तरीके से ठगने का काम किया जा रहा है, बेवकूफ़ बनाने का काम किया जा रहा है सर्टिफिकेट देकर, और उसका कोई मानक भी नहीं है कि क्या उसमें सच्चाई है क्या नहीं है। तो बड़े सवाल खड़े होते हैं कि किसकी सह पे ये पूरा जो है सर्टिफिकेशन दिया जा रहा था, लेकिन अब शुरुआत चुकी हुई है। चलिए मयूर लौट रहे हैं आपके पास, हमारे साथ एसएन सिंह साहब जुड़े हैं, बीजेपी के प्रवक्ता। सिंह साहब बहुत बहुत स्वागत। सिंह साहब, एक मामला सामने आया और मामला आपके यूपी में ही पकड़ा गया, हलाल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड चेन्नई, जमीयत उलेमाए हिंद ट्रस्ट दिल्ली, हलाल काउंसिल ऑफ इंडिया मुंबई, ये ऐसी कंपनियां हैं जो हलाल प्रोडक्ट का सर्टिफिकेशन दे रही हैं। एक बड़ा गंभीर मामला है और ये कंपनियां कहीं भी वजूद नहीं है, कोई इनका वो नहीं है और वो भी हलाल प्रोडक्ट का वो दे रही है, जबकि ऐसा कहीं नियम ही नहीं है। देखिए कुंदन जी, भारत में कहीं ऐसा नियम है नहीं कि आप इन तरह की गतिविधियों में इस तरह से कार्य करें। कोई सर्टिफिकेशन का कार्य ना भारत सरकार करती है ना उत्तर प्रदेश की सरकार कार्य करती है। अगर ऐसे सर्टिफिकेट देते हुए कोई भी पाया जाता है तो निश्चित तौर पे उसके खिलाफ विधि सम्मत कार्रवाई होगी, क्योंकि जो विधि के विरुद्ध कार्य करता है तो उस पर कार्रवाई होना भी चाहिए। और आप इस तरह के सर्टिफिकेट को बना के उपभोक्ताओं को प्रलोभित करके धन कमाकर और उसको गलत कार्यों में लगाएंगे तो निश्चित तौर पर ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। और उत्तर प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध है कि कोई भी व्यक्ति अगर गैर कानूनी कार्य करता है, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी धर्म मत मजहब का मानने वाला हो, अगर गैर कानूनी कार्य आप करेंगे तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। जैसा कि आपके चैनल के माध्यम से ये घटना संज्ञान में आई है, अगर इस तरह का के कार्यों में लिप्त कोई भी व्यक्ति पाया जाता है, कोई संस्थान पाया जाता है, कोई कंपनी पाई जाती है, तो निश्चित तौर पे उत्तर प्रदेश। लेकिन शिक्षा भी एक बड़ा मामला, ये बेहद गंभीर है, आपको नहीं लगता है मामला गंभीर है, लेकिन पकड़ में देर से आया? देखिए कोई जानकारी जब हो जाती है उसके बाद सरकार की प्रतिबद्धता को देखा जाता है कि कुछ सरकारें जो गैर कानूनी कार्यों को कराने में माहिर थी वो कराती थी, लेकिन उत्तर प्रदेश की जो वर्तमान की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जनता की सरकार है, वो किसी भी गैर कानूनी कार्य को मंजूरी नहीं देती है जो विधि सम्मत नहीं हो, जो जो जिसको कानून में कोई मान्यता नहीं हो। इस तरह के सर्टिफिकेशन का कार्य होता ही नहीं उत्तर प्रदेश में और देश में कहीं पे भी। तो अगर इस तरह के कार्य को आप करेंगे, कल को कोई भी व्यक्ति किसी भी तरीके की चीजों को देने लगेगा तो निश्चित तौर पर सरकार के संज्ञान में जब से आएगा उस पर कार्रवाई होगी। अगर सरकार के संज्ञान में अभी आया तो अभी कार्रवाई होगी, ऐसा तो नहीं है कि सरकार उसको बचाने का कार्य कर रही जी। तो शिकंजा कसा जाएगा इन लोगों पर, क्योंकि ये बहुत सारी कंपनियां बाहर की भी हैं, कोई मुंबई की है, कोई ट्रस्ट है, कोई दिल्ली का है, कोई चेन्नई का है, क्योंकि FIR तो हो गई सर। कुंदन जी मैंने क्या कहा, विधि सम्मत कोई कार्य वो मान्य है, विधि विरुद्ध कोई भी कार्य अगर आप करेंगे तो कोई भी सरकार उसको परमिट नहीं देगी, कोई भी सरकार उसको मान्यता नहीं देगी। और निश्चित तौर पे ऐसे गतिविधियों में जो भी लिप्त पाए जाते हैं उनके ऊपर कार्रवाई होगी, चाहे वो संस्थान हो, व्यक्ति हो, कंपनी हो या कोई भी हो। चलिए शिक्षा बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपको बता दें राजू दास हमारे साथ जुड़े हैं, हनुमानगढ़ी के मुख्य पुजारी हैं। राजू दास जी बहुत बहुत स्वागत है। राजू दास जी, एक मामला संज्ञान में आया लेकिन योगी सरकार ने बड़ा सख्त कदम उठाया और मामला यह है कि जो हलाल प्रोडक्ट बनाए जा रहे हैं उनका सर्टिफिकेशन दिया जा रहा है, वो भी ऐसी कंपनियां दे रही हैं इधर उधर की जिनकी कोई वैल्यू नहीं है, चाहे वो हलाल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड चेन्नई हो, जमीयत उलेमाए हिंद ट्रस्ट दिल्ली हो, हलाल काउंसिल ऑफ इंडिया मुंबई हो, इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। सर कैसे देखते हैं आप इस पूरे मामले को? दुर्भाग्य की बात है, जिस प्रकार से गैर संवैधानिक तरीके से इस्लामिक आतंकवाद को बढ़ावा देना, इस्लामिक उग्रता को बढ़ावा देना, इस्लाम को शुद्ध रूप से दुष्प्रचार करके एक भय का माहौल वातावरण तैयार करना, इस हलाल प्रोडक्ट के माध्यम से फंड इकट्ठा करना और इस्लामिक आतंकियों को असला है उसमें आतंक को बढ़ावा देना, ऐसा कार्य किया जाता है। इसके नाते पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज की सरकार ने ये सब तीनों कंपनियों पर बैन लगाया है उत्तर प्रदेश में और FIR दर्ज भी करने के लिए निर्देश दिया है। ये बहुत अच्छी बात है और ऐसे ऐसे संस्थानों को बताई कोई अधिकार नहीं, और इस प्रकार से
एक समाज में एक माहौल क्रिएट करना ये अच्छी बात नहीं है, तो मैं आभार व्यक्त करता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी का। लेकिन राजूदा जी एक और बड़ी बात ये सामने आ रही है, जो खासकर ये देखा जा रहा है कि शाकाहारी प्रोडक्ट है उनको भी सर्टिफिकेट दिया जा रहा था, और दूसरे समुदाय के व्यापार को एक तरह से नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही थी इन कंपनियों की तरफ से। नहीं नहीं, मैं कह रहा हूँ गैर संवैधानिक तरीके से, संविधान सम्मत से कहीं से नहीं है, ये निजी स्वतंत्रता की है ना। उसके बाद ये व्यापारिक दृष्टि से व्यापारियों के लिए एक स्वरूप शुद्ध रूप से काली व्यवस्था हम कहेंगे, शुद्ध रूप से लोग जो आतंक को बढ़ावा देना, इस प्रकार के व्यापारी जो परिक्षेत्र है उसमें उसमें कब्जा करना, इस्लाम को इस प्रकार से मतलब हाईजेक करके प्रचार प्रसार करके कि नहीं ये ही प्रोडक्ट यूज करें, मैं बाकी प्रोडक्ट नहीं यूज कर सकते, इस प्रकार से दुष्प्रचार करके मुझको लगता है कि योगी जी ने जो ध्यान दिया है सराहनीय काम किया है, अन्य प्रदेशों में ऐसा कार्य होना चाहिए। जी राजदास जी, एक आखिरी सवाल, बताया ये जा रहा है कि ये दूसरे समुदाय के व्यापार को भी ठप करने की साजिश, दूसरा ये भी बताया जा रहा है कि इसमें एक बात सामने आ रही है कि ये जो पैसा इकट्ठा किया जा रहा था वो आतंकी संगठनों को फंडिंग का भी बताया जा रहा है, कहीं ना कहीं देश को एक तरीके से कमजोर करने की साजिश हो रही थी इसके जरिए। ये हम लोग बोलना नहीं चाह रहे थे, आपने कह दिया, ये शुद्ध रूप से ये जो संगठन है ये व्यापार को तो तोड़ने का, जो हिंदू व्यापारी उनको कैसे तोड़ा जाए, ये तो प्रथम साजिश था। दूसरा साजिश था कि इसके तहत जो फंडिंग इकट्ठा करना है, जो फंड आता है उस फंड को इकट्ठा, कोई ये संवैधानिक संस्था तो है नहीं, ये जिस प्रकार से आतंक में संलिप्त है, और ये संस्था ये जो पैसा जो इकट्ठा करते हैं इस इकट्ठा करके जो आतंकवादियों के बढ़ावा। बिल्कुल महंत राजू दास जी हमारे साथ जुड़े, हनुमानगढ़ी के पुजारी हैं और साफ कह रहे हैं कहीं ना कहीं एक बड़ी बात है, और लेकिन योगी सरकार ने शिकंजा कसा है। राकेश त्रिपाठी जी हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता जुड़ गए। राकेश जी, एक मामला संज्ञान में आया है, लखनऊ पुलिस ने FIR दर्ज की है, हलाल प्रोडक्ट के सर्टिफिकेट दिए जा रहे हैं, सबसे बड़ी बात है कि शाकाहारी प्रोडक्ट के भी सर्टिफिकेट दिया, और ऐसी कंपनियां जिनका कोई पहचान नहीं, जान ना पहचान, कहीं ना कहीं दूसरे समुदाय के व्यापार को नुकसान पहुंचाना, आतंकी फंडिंग की भी बात आ रही है, ये खबरें आप कैसे देखते सर? ये हलाल सर्टिफिकेट को लेकर के लगातार शिकायतें आ रही थी कि हलाल सर्टिफाई करने का कोई भारत सरकार का या उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार के द्वारा कोई सर्टिफिकेट देने के लिए किसी को मान्यता नहीं दी गई है। इस प्रकार का सर्टिफिकेशन देना निश्चित तौर पर एक षड्यंत्र की तरफ इशारा करता है कि क्या किसी प्रकार का सांप्रदायिक विभाजन उत्पन्न करना चाहते हैं, क्या आर्थिक बहिष्कार उत्पन्न करना चाहते हैं। निश्चित तौर पर ये जो गंभीर सवाल है इन सवालों को लेकर के जाँच की जाने की आवश्यकता है कि ये सर्टिफाइड किन मंशा से दिया जा रहा है, इसके पीछे कौन कौन से लोग जुड़े हैं, और इस पूरे मामले को लेकर के मुख्यमंत्री जी ने, मामला जब संज्ञान में पहुंचा तो मुख्यमंत्री जी ने इसकी जांच करने के लिए और कठोरता से कार्रवाई करने के लिए निर्देश दिए हैं। इसको लेकर के एक FIR हजरतगंज थाने में दर्ज हुई है। FIR दर्ज करने के बाद सभी पूरे तथ्यों की जांच होगी और जो लोग भी दोषी होंगे उनकी मंशा क्या है, इन सारे तथ्यों की जांच करके उनके खिलाफ कठोरता से कार्रवाई। राकेश जी, ये भी संज्ञान में आ रहा है, ये भी खबरें निकल कर आ रही है कि हो सकता है कि आतंकियों को फंडिंग करने के लिए पैसा हो रहा होगा, सर्टिफिकेट दिया जा रहा है, फिर पैसा कमाया जा रहा है और उसके जरिए ये कहीं ना कहीं आतंकी फंडिंग, ये मामला आपको नहीं लगता बेहद गंभीर हो सकता है? निश्चित तौर पर इस तरह के कुछ संकेत मिले हैं और ये संकेत एक गंभीर खतरे की तरफ इशारा दिखाते हैं कि अगर इस प्रकार का कोई सर्टिफिकेशन किया जा रहा हो जो सांप्रदायिक विभाजन भी उत्पन्न करता हो, जो देश की सुरक्षा को लेकर के खतरे उत्पन्न करता हो, तो निश्चित तौर पर ऐसे मामले की सूक्ष्मता से बारीकी से जांच की जाने की आवश्यकता है। और इस पूरे मामले को लेकर के एक FIR जब दर्ज हो गई है तो विवेचनाधिकारी निश्चित तौर पर हर बिंदु को जांच के दायरे में लेंगे कि क्या इससे इसकी इस पैसे की कोई फंडिंग राष्ट्र विरोधी कार्य में हो रही है, क्या आतंकियों के लिए कोई फंडिंग हो रही है, ये सारे बिंदु इस जांच में शामिल किए जाएंगे और जांच के आधार पर जो भी तथ्य निकल कर आएंगे उन पर उनके आधार पर कार्रवाई। चलिए राकेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया। राकेश त्रिपाठी हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता जुड़े कि एक मामला बेहद गंभीर है, देश विरोधी कंपनियों को फंडिंग का भी आरोप है, हलाल काउंसिल ऑफ इंडिया का भी नाम है। एक बार फिर बड़ी खबर दर्शकों को बता दें, आतंकी संगठनों को फंडिंग का आरोप निकल कर आ रहा है, बहुत सारी लोगों की आस्था से भी खिलवाड़ का आरोप लग रहा है कि ऐसे शाकाहारी जो आपको बता दें प्रोडक्ट है उनके भी सर्टिफाइड किया जा रहा था और 85% लोगों की आस्था से देश विरोधी कंपनियों को फंडिंग का भी आरोप लग रहा है। बड़ी खबर, हलाल काउंसिल ऑफ इंडिया का भी नाम आ रहा है और ये लोग ऐसे हैं जिनका कोई अता ना पता है इस तरह की कंपनियां, लेकिन ये सर्टिफाइड कर रही हैं वो भी हलाल प्रोडक्ट को, जो आज तक है ही नहीं देश के अंदर, ये बड़ा सवाल है। हालांकि इन कंपनियों के खिलाफ अब शिकंजा कसा जाएगा जो सर्टिफाइड कर रही हैं।